तो हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है एक और नए वीडियो में, जहाँ पर हम लेकर आ चुके हैं एक ऐसी टिप्स और ट्रिक के बाद जो यूनिक है भाई, उसके लिए जो कि आपको बहुत ही यार मतलब काम आने वाली है भाई। तो चलिए जल्दी से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं भाई। तो हमारी जो पहली नंबर पर ट्रिक आती है उस वो है भाई कि आपको जो जब भी आप 1v1 कस्टम खेलने जा रहे हो तो ब्रो, सबसे पहले आपको क्या करना है कि अपने फ़ोन को एक बार रिस्टार्ट कर लेना ब्रो। अगर आप कब से गेम खेल रहे हो और फिर आप कस्टम खेलने जा रहे हो तो क्या करने का, आपको पहले अपना जो फ़ोन है वो या तो फिर एक बार रीसेट या फिर एक बार गेम को री लॉग इन कर लेना है, ताकि आपको कुछ नेटवर्क या प्रॉब्लम या फिर लेगिंग कुछ आए तो वो कुछ दिक्कत नहीं और आप इजीली से खेल सको और आपका लेग ना मारे या ऐसा ऐसे खेलना गए। और भाई ये बात आपको ध्यान में रखनी है। और भाई दूसरी बात ये है कि आप जब भी वोट कस्टम खेल रहे हो तो भाई आपको क्या करना है कि एनिमी को बिल्कुल भी आपको मौका नहीं देना है। मतलब कि अगर देखो जैसे मैं यहाँ पे ग्लू वॉल लगा रहा हूँ, मतलब हीलिंग भी कर रहा हूँ, बट एनिमी को दिखना भी नहीं, उसको मतलब मौका नहीं देना चाहिए कि वो भाई आसानी से मार जाए। और आपको कैसे खेलना है ऐसा नहीं कि बस वो बंदा आके लाए तो भाई उसको हमको आता है सीधा रस रस खेला, ऐसे नहीं खेलना। देखो उस बंदे ने हमको मौका दिया तो भाई हमें फटाक से दे दिया, तो आपको बिल्कुल ऐसे ही खेलना है। मतलब देखो मैं कैसे खेल रहा हूँ, देखो अभी बारे में मैंने सीधा ग्लू वॉल डाल दिया, देखो अभी पता चला कि वो भी मतलब ऐसे खेलना चाहिए, देखो अभी मार दिया तो ऐसे। अगर ऐसा नहीं कि आपको फायरिंग बिल्कुल सीधा चालू ही रखनी है, तो इनसे क्या होगा उससे आपको ऐसा कुछ नहीं, बट वो सामने वाला जो क्या है ना वो आपको बड़ी मार देगा, फिर आप इससे सीधा वो 1 KB या हेडशॉट मार देगा तो फिर आप मर जाओगे। मतलब ऐसा नहीं करना है, आपने 2-3 गोली मारी, देखो अभी देखो सीधा खुल गया, ऐसे करना है। ताकि इससे क्या होगा कि एक तो आपके मूवमेंट की भी बढ़ेगी और आपको काफ़ी इम्प्रूवमेंट भी देखने को मिलेगा। ठीक है, ऐसे देखो ऐसे मारोगे ना तो आपको भी मतलब कवर में देखे मार वगैरह उससे आपकी मूवमेंट जैसे बढ़ेगी ना तो भाई अपने आप हेडशॉट लग ही जाएंगे। देखो अभी देखो वो उस बंदे ने कितना मौका दिया मेरे को, मतलब हेडशॉट मार ही देता ना भाई। तो ये बात ध्यान में रखें, और भाई आप जब भी 1v1 कस्टम खेलो ना भाई तो बिल्कुल कोई ऐसी नहीं कि भाई बस खेलो लिए सीधा खेलने को स्टार्ट मत कर दिया करो। अगर हाँ आपको 1v1 कस्टम खेलना है तो भाई तब खेल दिया करो जब आप फ्री हो या आपको कोई काम ना हो या फिर आपका नेटवर्क सही चल रहा हो तो भाई ऐसे खेल दिया करो। फिर ऐसे नहीं है कि आप दुकान पे हो तो भाई सीधा चलो स्टार्ट कर दो कस्टम बना दे भाई और हम सीधा खेलने लगे, तो उससे क्या होगा एक तो भाई आपका ना गेम पे फोकस होगा और ना ही आपका यार जब दुकान पे हो या कुछ भी काम कर रहे हो उसमें, उससे क्या होगा कि आपको दोनों की जगह पे बेनिफिट नहीं मिल जाएगा और फिर आप नाराज़ होगे या फिर आप कहीं दुकान पे किसी कहाँ पर काम कर रहे हो भाई उसके कुछ यार वो काम नहीं कर रहे भाई वो बहुत बुरा लगता है। ऐसा मत खेल दिया करो भाई, कस्टम है तो हाँ बंदे को कहो भाई बिल्कुल हम खेलेंगे बट अभी नहीं क्योंकि अभी काम है थोड़ा, ऐसे कर दिया करो भाई। अगर आप फिर खेलोगे भाई नया आप काम कर पाओगे कुछ भी नहीं करेगा भाई, फिर आप मर जाओगे या हार जाते हो भाई किसी की वजह से, ना ही तो आपका फोकस गेम पे होता है और ना ही क्या गेमते भाई। इससे क्या होता है कि भाई आप कस्टम भी हार जाते हो भाई, फिर बंदे आपको बोलते हैं नूबड़े तुम वो मर गया तुझे खेलना नहीं है, तो भाई आपको बहुत ही बुरा लगता है। तो ऐसे नहीं करना क्योंकि ऐसे करने से आप ज़्यादा क्या होता है, मतलब बस वो बंदे तो कस्टम नहीं गया बैठा ही ना भाई, जब आप फ्री हो तब बंदे को बुला लिया करो चल आज आप कस्टम में फिर देख लेते हैं तेरे को, ऐसा करो भाई। वो भाई बिल जब भी आप कस्टम करेंगे भाई ऐसे खेल दिया, देखो मेरी मूवमेंट देखो आप मूवमेंट की अगर बताओगे ना भाई फ्री फिंगर खेलते भाई मतलब अपने आसानी से हेड टू भाई काफ़ी बेनिफिट देखने को मिलेगा आपको। तो भाई ये सभी चीज़ें थी, और भाई अगली वाली जो चीज़ बताता ना भाई अगर आप AWM करा रहे हो तो भाई अगर आप लेफ्ट राइट बटन का यूज़ नहीं करते तो मैं बता रहा हूँ लेफ्ट राइट बटन का यूज़ करते रहे तो उससे क्या आपको काफ़ी बेनिफिट मिलने को देखने को मिलेगा और उससे आपकी ग्लूवल और मूवमेंट स्पीड में भी बहुत ही ज़्यादा फर्क रहे। उससे क्या होगा अगर आपकी मूवमेंट स्पीड पड़ेगी तो भाई आपका हेडशॉट लगने का भी फायदे बहुत ज़्यादा होंगे। मतलब देखो बस आपको क्या करना है अपनी मूवमेंट स्पीड, और यार मैं अगर आपको 3 फिंगर नहीं आ रही तो मैं उसके भी ऊपर एक वीडियो बना लूँगा, उसके कमेंट कर देना भाई और गाइस वीडियो को भी लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना भाई। तो गाइस ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना।